स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि स्ट्रक्चर किन चीज़ों पे आधारित है किसी भी बिजनेस का। कोई भी मैनेजमेंट का आइडिया जो होता है वो तब तक सही नहीं होता जब तक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम ना कर रहा हो। कोई भी स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइजेशन का हम देखते हैं वो किस तरह का होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, वो देखना ज़रूरी है। अब पहले तो ऑर्गेनाइजेशन का नेचर कैसा है, यानी कि वो किस चीज़ के लिए काम कर रहा है, फिर उसका साइज़ यानी उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, फिर उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कितने लोग रिस्पॉन्सिबल हैं बड़े डिसीजंस के, उससे सबको हमें एक पहले सेक्शंस में डिवाइड करना ज़रूरी है। जैसे फर्स्ट सेक्शन है लीनियर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हर कोई ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो लीनियर हो, यानी कि एक बराबर, तो एक आर्मी की तरह वो काम करते हैं। सेकेंड है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो आपके मेन फंक्शंस को काम में लाते हैं वो कौन है। फिर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो ऑफिशियल वर्क संभालने वाले ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है। फिर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन जो आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज देता है। फिर मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जो उसके अंदर की कमियों को पूरा करता है। अब पहला सेक्शन हम देखते हैं लीनियर ऑर्गेनाइजेशन, उसका मतलब क्या होता है। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो सिंपल और पुराने सिस्टम से चलता आ रहा हो कई सालों से, जिसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई। ये एक आर्मी है जो आपके स्ट्रांगली हर चीज़ को एग्जीक्यूट और काम करके देती है। सेंट्रलाइज पावर इसके पास हो, यानी कि जिसे कंट्रोल कौन करे, सेंट्रल सिस्टम करे, वो डिस्ट्रीब्यूशन वो पावर सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल लोगों को दिया जाए जो स्ट्रेट लाइन पर काम करते हैं। और ये बॉटम टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक हर किसी को ये हेल्प आउट करते हैं। बॉटम लेवल के अंदर इसे लीनियर ऑर्गेनाइजेशन कहा, टॉप टू बॉटम में इसे लीनियर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, यानी कि इनके पास काम डिस्ट्रीब्यूट करने का पावर होता है। ये हायर डिग्री के होते हैं, इनका पावर बड़ा होता है, और ये लोअर अमाउंट के पावर जो होते हैं वो बॉटम लेवल वालों के पास होते हैं। टॉप लेवल के पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जबकि बॉटम लेवल के पास इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। फिर बात करते हैं फॉर्मेशन की। कोई भी चीज़ का फॉर्मेशन है यानी बनावट जो है बिजनेस की, वो कैसे हर डिपार्टमेंट के हिसाब से बांटी जाती है। हर डिपार्टमेंट अलग तरीके से होता है, तो हर डिपार्टमेंट का हेड अलग होता है और उसी हिसाब से वो काम सब में बांटता है, क्योंकि वो उस चीज़ में एक्सपर्ट होता है। उसे डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। यहाँ हमें एक चार्ट दिया गया है, उस चार्ट में हम देख सकते हैं किस तरह से लोगों को उनका काम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सबसे पहले होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी BOD सबसे बड़े होते हैं। BOD के बाद आता है जनरल मैनेजर, जिसे GM कहा जाता है। GM के अंडर में तीन लोग आते हैं, एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का हेड, और एक होता है सेल्स डिपार्टमेंट का हेड। प्रोडक्शन यानी जहाँ पर सामान बन रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पर सामान का टैली यानी कैलकुलेशन हो रहा है, और सेल्स डिपार्टमेंट वहाँ जहाँ पर सारा सामान बेचा जा रहा है। अब बात करते हैं पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यानी जहाँ सामान बन रहा है, उसके अंदर दो सेक्शन आते हैं। वो होता है परचेज ऑफिसर यानी खरीदारी का ऑफिसर, जो कच्चा माल लाता है। फिर होता है एक प्रोडक्शन ऑफिसर, जो सामान लोगों से बनवाता है। प्रोडक्शन ऑफिसर के अंडर में आता है एक क्लर्क, यानी जो सब चीज़ों की डील के लिए उसे सहायता करता है। और प्रोडक्शन ऑफिसर के नीचे आता है सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र के बाद आता है फोरमैन, और फोरमैन के बाद आता है वर्कर। इस तरह से सारे लोग काम करते हैं। फिर बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जिसमें आते हैं दो लोग। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि जो चीज़ों को सबका लिस्ट बनाता है, और दूसरा होता है अकाउंट्स यानी कि जो उस जगह के पैसे का लेखा जोखा करता है। और दोनों के अंडर में एक एक क्लर्क होते हैं, जो लोगों तक इनके मैसेजेस पहुँचाते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट में होता है सेल्स ऑफिसर और एडवर्टाइजमेंट ऑफिसर। सेल्स ऑफिसर का काम ये है कि बिक्री मार्केट में हो, एडवर्टाइजमेंट का ये काम है कि वो अच्छे से लोगों तक उस चीज़ की जानकारी पहुंचाए। उस सेल्स ऑफिसर के अंडर में आते हैं सेल्समैन, यानी कि कौन कौन चीज़ें बेचेगा। और एडवर्टाइजमेंट ऑफिसर के नीचे आते हैं एम्प्लॉयज़, जो उसके हिसाब से बड़ी एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं। ये सभी मिलकर एक बिज़नेस यूनिट बनाते हैं।